सिरोही जिले के अबूरोड स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कल तंबाकू मुक्त यूथ अभियान की 60 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों से 4 रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण के लिए शामिल हुए। शिविर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉ. जितेंद्र सोनी ने शिक्षकों को संबोधित किया। देखिए, राजस्थान सरकार का जो टोबेको फ्री यूथ कैंपेन है, जो यूथ है वो टोबेको से कैसे दूर रहे, उसी दिशा में एक मुहिम है और मेडिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसमें काम कर रहा था। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रहेगा तो इसमें अच्छी जन जागरूकता आएगी और विस्तार से ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इसी सिलसिले को लेके आज एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट और ब्रह्मा कुमारी के सौजन्य से पूरे राजस्थान का जो सभी जिलों से प्रत्येक जिले से 4-4 लोग KRP की रिसोर्स पर्सन के नाम से बुलाए गए हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले से कार्यरत हैं। वापस ये प्रत्येक जिले से जो 4 KRP आए हैं, ये अपने अपने जिलों में जाके और इस जो टोबेको फ्री यूथ कैंपेन है, इसकी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी राजकीय और निजी विद्यालय हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनको टोबेको फ्री करने के लिए मुहिम छेड़ी गई है। और ये पूरा कैंपेन जो वैसे 60 डेज का है, चल तो रहा है कई सालों से विद्यालयों में, लेकिन इसको एक मुहिम की तरह से लिया है। और इसमें हम लोगों को स्कूली बच्चों के बीच में जाके, डोर टू डोर उन बच्चों के बीच में जाके और उन बच्चों को तैयार करके इस कैंपेन को सक्सेस बनाना है। उसके लिए स्कूल में टोबेको मुक्त विद्यालय इस तरह के एक बैनर बनवा के वो भी हमने लगवाए हुए हैं।